भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना सर्किल के सौजन्य से विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर विश्व विरासत नालंदा के उत्खनित पुरावशेष परिसर में फेसेस पटना द्वारा प्रस्तुत एवं प्रसिद्ध रंगकर्मी सुनीता भारती द्वारा निर्देशित इन्फोड्रामा नालंदा महाविहार का मंचन किया गया, जिसका शुभारंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना मंडल के पूर्व अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर डीएन सिन्हा मौजूद थे। इस नाटक में नालंदा महाविहार के उद्भव, विकास, पतन और पुनः खोज की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में दी जानकारी के आधार पर अंतर विद्यालय क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें संत जेवियर्स विद्यालय नालंदा ने प्रथम स्थान तथा नालंदा हेरिटेज विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाता है और देश के विभिन्न हिस्सों में आज इस प्रकार का कार्यक्रम, सांस्कृतिक जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और नालंदा के लिए यह गर्व की बात है, हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल के लिए यह गर्व की बात है कि इस प्रकार के पहली बार किसी पुरातात्विक उत्खनित परिसर में इन्फो ड्रामा का आयोजन किया गया है कि इसका जो गौरवशाली अतीत था वो कैसे वो विनाश हुआ था, कैसे उसकी खोज हुई थी, उसका इतिहास क्या था, इन सारे बातों को लेकर के पटना स्थित जो संस्कृति और कला से जुड़े हुए एक संस्था है, एनजीओ है फेसेस, उसके कलाकारों द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें स्थान सीएनवी भी थोड़े लगे हुए हैं जिनसे आपको इसका इतिहास का पता चलता है, पर वो थोड़ा बेरस सा हो जाता है, नीरस सा हो जाता है। तो इस विश्वदाय सप्ताह में हमने सोचा कि नालंदा के प्रांगण में ही नालंदा का इतिहास आप सबके सम्मुख हम रखें, ताकि जब आप यहाँ से निकले, ये दो दिवसीय कार्यक्रम है, आज भी होगा, कल भी होगा, जितने भी आगंतुक यहाँ पे आए उनको एक ऐसा मौका मिलेगा नालंदा के बारे में जानने का जो किसी को नहीं आसानी से किसी भी भारतीय पुरातत्व की साइट में इतनी आसानी से इतने रोचक उसमें मिलता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, पूरा देखें और अगर आप